हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी पी सी एस हिंदी स्मी चंचल कुमार शर्मा और भारत के संविधान और राजव्यवस्था की हमारी सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस समय हम लोग भाग तीन के मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं और कल हमारा अनुच्छेद बीस का मौलिक अधिकार अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद इक्कीस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद इक्कीस क शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा का निशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार तो अनुच्छेद गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण तो हमारा अनुच्छेद बाईस तक का मौलिक अधिकार वाला कंप्लीट हो गया है भाग अब हम लोग आगे अनुच्छेद तेईस चौबीस शोषण के विरुद्ध अधिकार और अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को और उसके बाद के मौलिक अधिकारों को आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सभी को नमस्कार जय हिंद आवाज आ रही है ठीक से पहले एक बार मुझे कंफर्म कर दो आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं आवाज ठीक से आ रही है सभी को ठीक है तो फिर हमारा कल विधि की सम्यक प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो अंतर है वो मैंने आपको बताया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में आपको मिलेगा लेकिन विधि की सम्यक प्रक्रिया हमने अमेरिका से आयात किया है ये मेनका गांधी का जो केस था 1978 का उसके द्वारा ऐसा हुआ है और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि अनुच्छेद इक्कीस के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने कई सारे आपके मानव अधिकारों को और दूसरे अधिकारों को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल कर लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे के मौलिक अधिकार और आगे के अनुच्छेदों पर एक नजर डालते हैं लेकिन उससे पहले अन अकेडमी न्यू कॉम्बे वीक अगर आप में से कोई भी अनकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो अभी डेढ़ साल डेढ़ साल के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है मतलब जीएस और ऑप्शनल का एक साथ अगर आप डेढ़ साल का नॉर्मल या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको मिलेगा 32 परसेंट का डिस्काउंट मतलब 32 परसेंट आपको अमाउंट कम लगेगा इसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड सी के एल आई वीई -E, ये अप्लाई करना है आप अन का कोई भी सब्सक्रिप्शन लें तो आप ये रेफरल कोड सी के एल आई वी ई -E, ये अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसमें जीएस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज नोट्स सब कुछ अभी अवेलेबल होगा तो आप इस कोड को यूज करके जितनी जल्दी हो सके आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो और अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो घर बैठे तैयारी करनी हो तो आप नॉर्मल जीएस का आइकॉनिक जीएस का एक दो तीन साल का या जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है ऑप्शनल का कॉम्बो का वो आप सब ले सकते हो मेरा रेफरल कोड यूज करके सी के लाइव जो भी बच्चे सी के लाइफ रेफरल कोड यूज करते हैं उन्हें टेन परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। मिलता है मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलता है मेंटोरशिप मिलती है और आप लोगों को यहाँ से कंप्लीट पैकेज पूरा तैयारी के रूप में मिल जाता है लोन फैसिलिटी भी है जो लोग एक साथ पे नहीं कर सकते कि भाई आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि एक बार में साठ सत्तर अस्सी हजार रुपए भरे तो वो लोन ले सकते हैं अन में लोन के लिए अप्लाई करें और कोई ब्याज नहीं लगेगा बिना किसी ब्याज के आप लोन ले सकते हैं ये रेफरल कोड है इसको अप्लाई करिए और लोन लेके भी अपना सारा पैसा बारह किश्तों में बारह ई में आप पे कर सकते हैं ये एक बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए लोन का चलिए तो हम मौलिक अधिकार वाला भाग हमारा आगे कंप्लीट करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद तेईस और अनुच्छेद 24 में आपको ये मौलिक अधिकार मिलेगा तो पहले तो हम बात करेंगे शोषण शोषण मतलब आपको समझ में आता है ना एक्सप्लोइटेशन किसी से जबरदस्ती काम कराना या किसी मानव के ऊपर अत्याचार करना ठीक है उससे बिना पैसा दिया बिना मेहनताना दिया बिना पारिश्रमिक दिए काम करवाना या जबरदस्ती काम करवाना उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना तो ये सब शोषण में आता है और चूंकि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वे किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण करे ना तो राज्य को यह अधिकार है कि वो किसी का शोषण करे और न ही किसी मानव का यह अधिकार है कि वे दूसरे मानव का शोषण करे तो यहां आपको शोषण के विरुद्ध भी एक मौलिक अधिकार है किसी को अधिकार नहीं कि वो आपका शोषण करे क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हमने देखा है अंग्रेजों के जमाने जब भारत में ब्रिटिश राज था तब अंग्रेजों के द्वारा भी भारतीयों का बेतहाशा शोषण किया गया और हमारे ही कुछ लोग जिनमें जमींदार जागीरदार साहूकार चौधरी इस टाइप के जो लोग थे उन्होंने भी अपने लोगों का शोषण किया तो शोषण के विरुद्ध अब एक मौलिक अधिकार आपको दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति और राज्य किसी के दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता इसमें दो अनुच्छेद है पहला अनुच्छेद तेईस है जो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को जो है रोकता है निषेध करता है मतलब मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता दुर्व्यापार मतलब जैसे आप वस्तु की खरीद बिक्री करके व्यापार करते हो ना ऐसा किसी मानव को वस्तु की तरह खरीदा बेचा नहीं जा सकता और किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता मान लीजिए कि, कि किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है उसको डरा कर धमका कर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर यदि उससे काम किया जाता है तो इसे बलात्श्रम या फोर्स लेबर कहते हैं तो ये आपका एक अधिकार है कि आपका शोषण कोई भी इस प्रकार से ना करे अनुच्छेद तेईस मानव दुर्व्यापार बेगार या बलाश्रम और इसी प्रकार के अन्य बलाश्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है दुर्व्यापार मैंने आपको बताया बलाश्रम मैंने आपको बताया बेगार बेगार का मतलब होता है किसी से मुफ्त में काम करवाना काम करवा लिया पैसा नहीं दिया या काम करवा के बहुत कम पैसा दिया बहुत न्यूनतम से भी मजदूरी कम दी तो इसको बेकार माना जाएगा तो इस तरह का कोई भी आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा अब मैंने आपको पहले ही बोला कि नॉर्मली मौलिक अधिकार हमें सरकार या राज्य के खिलाफ है तो राज्य किसी का शोषण करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाओगे आपके पास मौलिक अधिकार है लेकिन अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति आपका शोषण करे कोई कंपनी कोई प्राइवेट पर्सन कोई भी आपका शोषण करे तो कहां जाइएगा तो एक कानून सरकार ने कई सारे कानून बनाए इसके लिए और उन कानूनों के अनुसार इसको दंड दिया जा सकता है यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है ऐसा नहीं है कि भारतीय है तो उसका शोषण नहीं कर सकते और कोई विदेशी है तो बेचारे से जबरदस्ती सुबह से रात तक काम करवा रहे हैं किसी विदेशी को या किसी विदेशी से जबरदस्ती काम कराने का आपको कोई लाइसेंस नहीं है कोई भी व्यक्ति हो भारत में एक्स वाई जेड शोषण तो किसी का नहीं हो सकता यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है राज्य के खिलाफ तो आपको यह अधिकार देता ही है कोई निजी व्यक्ति जैसे आप कोई व्यक्ति किसी दुकान पर काम करता है अब दुकान का मालिक चौदह चौदह घंटे काम लेता है उससे बदले में उसे बहुत कम पैसा देता है उसकी मजबूरी का गरीबी का फायदा रहा है क्या बोलेंगे इसे आप शोषण और ऐसा होता है हमारे आपने देखा होगा भारत में काम की रोजगार की कितनी मारामारी और कई सारे लोग होते हैं ऐसे बिचारों से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं स्कूल नहीं पढ़े होते ठीक से या कॉलेज नहीं गए होते जिनके पास डिग्री नहीं है उन्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता ऐसे में कई किराने की दुकान पर कई कपड़े की दुकान पर या किसी भी सेठ के पास बनिए के पास या किसी भी साहूकार के पास वो काम पर लग जाते हैं और ऐसे में वो व्यक्ति उसका जबरदस्त शोषण करता है सुबह से दुकान खुलने के टाइम से बुला के रात तक दुकान पर काम करवाता है बदले में उसे बहुत कम मेहनत आना देगा उसे छुट्टी भी नहीं देगा उसके पैसे भी काटेगा छुट्टी में लाने पर तो ये सब शोषण ही है एक प्रकार का तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी आपको ये सुरक्षा प्रदान करता है <laughs> तो पहले हम लोग बात करेंगे मानव दुर्व्यापार मानव दुर्व्यापार में क्या आता है देखिए मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है पुरुष महिला और बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री करना भाई आप किसी व्यक्ति से कोई सामान खरीदे और बेचे तो समझ में आता है पर मानव कोई वस्तु तो है नहीं जैसे हमारे यहाँ पर कई सारी लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है उनकी खरीद बिक्री होती है उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता है या बाहर के देशों में भेज दिया जाता है इसी तरीके से पुरुषों के भी क्योंकि दुनिया के कई देशों में काम करने वाले नौकरों की कमी होती है तो ऐसे लोगों को खरीद बिक्री करती जा कर दी जाती है पुरुषों की महिलाओं की बच्चों की अगर वस्तु के समान खरीद बिक्री हो रही है यह इसे इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार इसमें दुर्व्यापारैश्यावृत्ति भी शामिल है छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाते हैं महिलाओं को भी वैश्यावृत्ति में धकेल देते हैं उनसे भी जो है पैसा कमाते हैं तो यह आपने देखा होगा इस तरह का दुर्व्यापार माना जाता है मानव का देवदासी पुराने समय में मंदिरों में महिलाएं भक्ति और आराधना के लिए अपने आप को समर्पित कर देती थी फिर वो उस मंदिर में आजीवन रहती थी उस मंदिर के सारे काम करती थी साफ सफाई से लेकर खाना बनाने से लेकर पूजा से लेकर सब तो ऐसे में कई बार उन महिलाओं का यौन शोषण भी होता है सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है एक्सप्लोइटेशन भी होता है तो देवदासी किसी को बनाना या किसी को दास बनाना जिसे आप स्लेव कहते हो या इस शब्द को आप गुलाम के तौर पर भी समझ सकते हो जैसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा यूरोप वगैरह में कई सारे लोगों को गुलाम बनाया जाता था गुलामों की मंडी लगती थी व्यक्ति जाके एक हट्टा कट्टा अच्छा खासा गुलाम खरीद सकता था उससे जैसा चाहे घर में काम करवा सकता था उसे वेतन देने की जरूरत नहीं पैसा नहीं देना पड़ता था बस उसे दो वक्त का खाना दो और जैसा चाहो वैसा काम करवाओ तो किसी को दास बनाया गुलाम बनाया स्लेव बनाया देवदासी बनाया महिलाओं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार किया या किसी मानव की वस्तु के समान खरीद बिक्री की यह सब कुछ मानव दुर्व्यापार शब्द में आता है आगे समझ में यह सब कुछ शोषण माना जाएगा इसके लिए संसद ने कानून भी बनाया है इस तरह के कृत्यो पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम उन्नीस बनाया है बॉलीवुड की कई सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि लोगों को पकड़ के बेहोश करके उनकी किडनी निकाल लेना उनके अंगों का व्यापार करना या किसी व्यक्ति को जो है बेचना खरीदना यह सब कुछ दुर्व्यापार है और संसद ने 1956 में एक कानून बनाया था अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 इस अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति ने मानव का दुर्व्यापार किया तो उसे दंड दिया जा सकता है बेगार मतलब बेगार का मतलब मैंने आपसे कहा कि किसी व्यक्ति से मुफ्त में काम करवाना ठीक है बिना पारिश्रमिक दिए बिना मेहनताना दिए किसी व्यक्ति से काम कराना और यह अपने आप में भारत में बहुत पहले से चल रहा है आपने मुंशी प्रेम प्रेमचंद की कहानियां साहित्य उपन्यास पढ़ा होगा भरा हुआ इससे जुड़ा बेगार मतलब किसी व्यक्ति से उसकी जमीन जो है हड़प लेना उसकी जमीन पर उसी को श्रमिक बना देना और उस व्यक्ति से फिर वहाँ पर आजीवन काम कराना बदले में उसको कोई पैसा नहीं दे है ना आपको पता होगा कि पहले अंग्रेजों की नीतियों के कारण कई सारे किसान बेचारे भूखे मरते थे और फिर भी लगान देना पड़ता था ऐसे में किसी जमींदार के पास किसी साहूकार के पास किसी महाजन के पास चले जाते थे और अंगूठा लगा के क्योंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं कागजों पर अंगूठा लगा के और वो पैसा लिया करते थे उधार बदले में चक्रवृद्धि ब्याज चलता था वो पैसा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता था और वो गरीब किसान वो पैसा तो छोड़िए उस पैसे का ब्याज भी कभी नहीं दे पाता था। और वो बढ़ता ही जाता था एक समय के बाद उसका पैसा इतना हो जाता था कि उसकी जमीन पर वो महाजन या साहूकार कब्जा कर लेता था अपनी ही जमीन पर वो बेचारा किसान बाद में एक मजदूर बन के रह जाता था और उसको मजदूरी नहीं मिलती थी क्योंकि जो पैसा जो मेहनत वो करता था वो सारी ब्याज में और उस पैसे में चली जाती थी उसके बाद में उसका बेटा वही काम करता था यह वंश वंश दर वंश चलता पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था तो ये बेगार जो है भारत में ऐसा चलता था जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना कोई भुगतान लिए कार्य कराते थे तो ये चला आ रहा है आपको पता होगा इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिर अनुच्छेद तेईस बेगार के अलावा बलात श्रम के अन्य प्रकारों पर जैसे बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है बेगार तो मैंने आपको बताया कि बिना पैसा दिए काम करवाना और जो मैं अभी आपको बता रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी काम करवाना उसी जमीन पर यह बंधुआ मजदूरी मानी जाती मतलब आप किसी और के लिए काम नहीं कर सकते आप उसी महाजन या साहूकार जिससे आपने पैसा लिया है उसी के लिए काम करेंगे और आपके बाद आपका बेटा उसके लिए काम करेगा तो ये बंधुआ मजदूरी पर भी लोग लगाते हैं क्योंकि ये भी शोषण है श्रम या फोज लेबर जिसको कहते हैं फोज्ड लेबर क्या होता है किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम लेना यह बलात्श्रम कहलाता है जैसे कई बार कोई व्यक्ति आपके लिए काम नहीं करना चाहता उसको डरा के धमका के जबरदस्ती उससे काम करवा अब या तो आप उसे डरा के काम करवा लीजिए या किसी व्यक्ति की मजदूर जो मजबूरी है उस मजबूरी का फायदा उठा के उससे काम करवा लीजिए इस सबको माना जाता है इसमें केवल शारीरिक या कानूनी बलात् स्थिति शामिल नहीं है बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता जैसे न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना भी शामिल है अब आपने देखा होगा ना कि कई सारे लोग होते हैं जो सुबह सुबह काम की तलाश में घर से निकलते हैं मजदूर वगैरह अब उन्हें पता नहीं कि आज उन्हें क्या काम मिलेगा लेकिन उन्हें काम तो करना ही क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं तो भूखे मर जाएंगे ऐसे में जो व्यक्ति उनसे काम कराता है वो उन्हें बहुत कम पैसे में भी मजदूरी करवा लेता है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये काम नहीं मिलेगा तो शाम को खाएंगे क्या तो ऐसे में किसी मजबूरी का फायदा उठा के काम करवाना भी बलात् श्रम में ही आता है इसके लिए भी संसद ने कानून बनाए हैं बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की एक सीमा से कम मजदूरी किसी को नहीं दे सकते सोचिए कि कोई आपसे दिन भर काम करवाए सुबह से लेकर रात और बदले में आपको सौ रुपए दे अब सौ रुपए में आप अपना घर कैसे चलाएंगे और आपने इतनी मेहनत की है सौ रुपए से तो काफी ज्यादा का आपने काम किया तो इसके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाए गए आपने अपने आसपास देखा होगा कई सारे लोग ऐसे जो ठेका वगैरह लेते हैं काम कराने का ठेकेदार टाइप के लोग अब ठेकेदार क्या करता है पूरे काम का ठेका मान लीजिए उसने दस लाख में लिया। और उसके पास दस मजदूर काम करने वाले हैं। अब काम वही करेंगे ठेकेदार काम नहीं करेगा लेकिन वो ठेकेदार क्या करता है उन मजदूरों से बहुत कम पैसे में काम करवा लेते जितनी कम मजदूरी उनको देनी पड़ेगी उतना ही पैसा ठेकेदार के पास बचता है और यहां लालच की कोई सीमा नहीं हो सकता है कि दस लाख का ठेका लेने के बाद भी वो उन लोगों को मात्र पचास हजार रुपए मजदूरी दे और साढ़े नौ लाख रुपए वो खुद खा जाए यह भी एक प्रकार का शोषण है ये भी उनके मौलिक अधिकारों का हनन तो इसके लिए सरकार ने फिर समान पारिश्रमिक अधीन हमारे यहाँ एक मौलिक अधिकार के अलावा मौलिक कर्तव्य भी है सॉरी नीति निर्देशक तत्व भी है जिसमें महिला हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है तो अगर कोई महिला और पुरुष एक ही काम कर रहे हैं तो उनको एक जैसा मेहनताना दिया जाना चाहिए आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कई जगह पुरुषों को ज्यादा पैसा मिलता है और उसी काम के लिए महिलाओं को कम वेतन मिलता है यहां तक समझ में आया अनुच्छेद तेईस ये तो मैंने आपको बता दिया मानव का दुर्व्यापार और बलाश्रम शोषण माना गया है और इसके विरुद्ध आपके पास मौलिक अधिकार है और संसद ने कई कानून भी बनाए अब इसका अपवाद भी है जैसे मैंने आपसे कहा कि जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते ये मैंने कहा ना आपसे अभी कि जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते लेकिन इसका अपवाद भी है अनुच्छेद तेईस राज्य को यह अधिकार देता है कि कुछ परिस्थितियों में वो आपसे जबरदस्ती आपकी इच्छा के विरुद्ध भी काम करवा सकती है देखो कैसे यह अनुच्छेद राज्य को अनुमति देता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आपके ऊपर आरोपित करे। उदाहरण के लिए सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है और इसके लिए वो आपको धन देने को बाध्य नहीं है मान लीजिए कि कोई सार्वजनिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ मामला है जैसे मान लीजिए देश की रक्षा और सुरक्षा का मामला है देश की रक्षा खतरे में है और हमें और ज्यादा सैनिकों की आवश्यकता है ऐसे में सरकार भारत के नागरिकों पर अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकती है उनसे जबरन वहां पर काम करवा सकती है और यह अनुच्छेद तेईस का अपवाद है समझ में आ रहा है अनिवार्य सेवा आपके ऊपर आरोपित की जा सकती है इसके अलावा सामाजिक सेवा भी की करवाई जा सकती है आपसे और इसके लिए सरकार आपको कोई पैसा नहीं देगी कोई धन नहीं देगी ये एक अपवाद है लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है बस एक बात का ध्यान रखना इस तरह की सेवा में लगाने के लिए राज्य बाध्य तो कर सकता है आपको धन भी नहीं देगा लेकिन भेदभाव नहीं कर सकता कि किसी विशेष धर्म के लोगों से यह काम करवा लिया किसी विशेष जाति के लोगों से यह काम करवा लिया ऐसा नहीं सबके ऊपर बराबरी से वो सेवा आरोपित करनी पड़ेगी ठीक है यह अपवाद था अनुच्छेद तेईस का तो हमारा अनुच्छेद तेईस का मौलिक अधिकार खत्म जितना मैंने आपको बताया इतना ही आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद तेईस में अब अनुच्छेद चौबीस की तरफ आते अनुच्छेद चौबीस जो है ये कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध करता है जहां अनुच्छेद तेईस में हर मानव का शोषण रोका गया है अनुच्छेद तेईस हर तरह के मानव के शोषण के खिलाफ है बच्चा हो बड़ा हो बूढ़ा हो महिला हो पुरुष हो कोई भी हो वही अनुच्छेद चौबीस सिर्फ बच्चों के लिए ये अनुच्छेद लागू होता है चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर मतलब ये सिर्फ अनुच्छेद जो है चौदह साल के कम उम्र के बच्चों के मौलिक अधिकारों की बात करता है ये अनुच्छेद कहता है कि किसी फैक्ट्री किसी खान खान का मतलब होता है माइन या खदान भी बोल सकते हो आप इसको खदान या किसी ऐसी जगह पर जिसे आप लोग परिसंकट में परिसंकट मतलब जहां उनकी जान को खतरा हो है जान भी जा सकती है जैसे निर्माण कार्य या रेलवे में चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ट्वेंटी चौबीस के अंतर्गत आप किसी भी चौदह साल से कम उम्र के बच्चों को किसी फैक्ट्री में कारखाने में काम करने के लिए नहीं लगा सकते किसी खान खदान माइंस जहां से कोई खनिज वगैरह निकाला जाता हो जैसे कोयला तांबा वगैरह कुछ भी या आप उसको किसी ऐसी जगह नहीं लगा सकते जहां उसकी जान को खतरा हो सकता है जैसे रेलवे निर्माण कार्य ऐसी कोई भी जगह और यदि ऐसा किया जाता है तो अनुच्छेद 24 के उसके मौलिक अधिकारों का ये उल्लंघन है लेकिन इसमें एक बात काम की आपको समझ में आ गई होगी ये सिर्फ वहां मना करता है जहां जान को खतरा हो सकता है मतलब जो थोड़े से डेंजरस काम है ना वहां पर जहां पर काम में कोई खतरा नहीं है जहां पर काम करना आसान है वहां पर यह चौदह साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने से नहीं रोकता इस अनुच्छेद के अनुसार आप किसी चौदह साल से कम उम्र के बच्चे से होटल पर काम करवा सकते हो किसी चाय की दुकान पर काम करवा सकते हो पेपर बटवा, न्यूज़पेपर बटवा सकते हो कपड़े की दुकान पर किराने की दुकान पर लगवा सकते हो समझ रहे हो आप लोग क्योंकि कपड़े की दुकान पर किसी बच्चे को कोई खतरा नहीं तो ये मना नहीं करता मतलब ये क्या करता है थोड़ा सा भेदभाव करता है चौदह साल से कम उम्र के बच्चों को वहां नहीं लगा सकते जहाँ उनकी जान को खतरा हो सकता है लेकिन वहां लगा सकते हैं जहां उनकी जान को कोई खतरा नहीं तो ये नुकसान ना पहुंचाने वाले और निर्देश निर्दोष कार्य जो है वहां पर बच्चों को लगाने से रोकता नहीं तो आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर भारत में चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी लगा देंगे काम पर ऐसा नहीं इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों को एक मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार तो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तो कहीं भी काम पर नहीं लगा सकते यदि आपने चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चे से कोई भी काम करवाया जरूरी नहीं कि उनकी जान को खतरा हो या ना हो कहीं भी नहीं मतलब आप उसे किसी दुकान पर बैठा भी नहीं सकते गले के ऊपर और यह भी नियोजन माना जाएगा तो अब तो छह से चौदह वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार है कि वो स्कूल जाएं तो उन्हें आप कहीं नहीं लगा सकते बाल श्रम प्रतिषेध और नियमन अधिनियम उन्नीस पास किया गया है सरकार के द्वारा संसद के द्वारा यह कानून है जो तय करता है कि भारत में कहीं भी छोटे बच्चों से काम नहीं करवाया जाए जिसे आप लोग बाल श्रम कहते हैं बाल श्रम या चाइल्ड लेबर वो नहीं हो सकता इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938 कारखाना अधिनियम खान अधिनियम उन्नीस वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम उन्नीस बागान श्रम अधिनियम उन्नीस मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम उन्नीस प्रशिक्षु अधिनियम उन्नीस और बीडी सिगार कर्मकार अधिनियम उन्नीस इतने सारे कानून इतने सारे कानून है जहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि बच्चों को कहीं नहीं लगा सकते आप मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही चौदह साल क्योंकि आपने देखा होगा कि नॉर्मली हमारे यहाँ होटलों पर दुकानों पर जब आप जाते होंगे तो वहां एक पर्चा चिपका होता है आमतौर पर वहां पर एक कागज लगा होता है जिस पर ऐसा लिखा होता है हमारे यहाँ बाल श्रम प्रतिबंधित है हमारे यहाँ चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जाता है आमतौर पर लिखा होता है दुकानों पर हालांकि इस सब बावजूद भी क्योंकि भारत में एक चीज बड़ी खराब है ऑन पेपर कुछ और होता है और वास्तविकता कुछ और होती है अगर आप वास्तविक रूप में देखेंगे तो आज भी कई सारे छोटू कई सारे छोटे छोटे बच्चे छोटू गोलू ऐसे आपको चौदह साल से कम उम्र के आठ साल के दस साल के बारह साल के बच्चे कई सारी जगह पर काम करते हुए दिखाई देंगे कोई आपको गैरेज पर दिखाई देगा कोई आपको चाय के कप प्लेट धोता हुआ दिखाई देगा कोई आपको किराने की दुकान में सामान देता हुआ दिखाई देगा सब चल रहा है हालांकि कानून है लेकिन इस कानून के बावजूद भी लोग ये सब कर रहे हैं माता पिता खुद भेजते माता पिता खुद भेजते हैं क्योंकि उन बच्चों को वो काम सिखाना चाहते हैं या उनसे वो कुछ आमदनी चाहते हैं पैसा चाहते घर में बहुत सारे बच्चे हैं तो उन बच्चों को अलग अलग जगह पर काम पर भेज देते हैं और उनसे कमाई करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बाल श्रम के कानून बने हुए हैं अनुच्छेद है और सब कुछ है तो आप काम नहीं हो रहा है सब हो रहा है आपको क्या लगता है भारत में बाल श्रम पूरी तरह से बंद हो गया नहीं हुआ तो यदि आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिखे या आप हमारी जिम्मेदारी किसी बच्चे का जैसे छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देख सकते हो सिग्नल पर आप छोटे छोटे बच्चे आपके पास सामान बेचने के लिए आ जाए कोई आपको पेन देने आ जाता है कोई आपको झंडा देने आ जाएगा भारत का कोई आपको गाड़ी के जो है एसेसरीज देने आ जाएगा तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे आपको दिख जाएंगे अपने आसपास और आप उन्हें बचा सकते हो आप अपील कर दो आप उनकी जो है कंप्लेन कर दो आयोग बना हुआ है बालकों के अधिकार के लिए संरक्षण के लिए आयोग बना हुआ है वहां पर आप चले जाओ और आप उन बच्चों को क्या कर सकते हो आप उन बच्चों को दलदल से निकाल सकते हो ठीक है इतने सारे कानून है 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का भी निर्देश दिया था जिसमें बालकों को नियोजित करने के जो भी व्यक्ति बालकों को नियोजित कर रहा है वो प्रति बालक बीस हजार रुपए जो है उस फंड में जमा करेगा इससे बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य पोषण आदि में सुधार के लिए जो है पैसा यूज किया जाएगा लेकिन इस सब में महत्वपूर्ण है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 एक आयोग है जैसे महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए महिला आयोग है अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के लिए एक आयोग अलग अलग आयोग है उनके पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग है वैसे ही बालकों के अधिकार के संरक्षण के लिए एक दो के कानून के तहत एक बालक अधिकार संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है यह आयोग क्या करता है यह आयोग बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचारण के लिए अधिनियमित किया गया ताकि जल्दी से जल्दी उन पर विचार किया जाए उन मामलों को निपटाया जाए 2006 में 2006 में सरकार ने क्या किया क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अनुच्छेद 24 यह कहता है कि आप तीन जगह छोड़कर चौदह साल के बच्चों को कहीं भी लगा सकते हो लेकिन 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर क्या आप उनसे घर में नौकर की तरह काम नहीं करवा सकते व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटल हो गई रेस्ट्रांस हो गए दुकान हो गई कारखाने हो गए रिसोर्ट हो गई स्पा हो गया चाय की दुकान हो गई आदि में उन्हें काम पर नहीं लगा सकते तो 2006 के बाद यह एक इलीगल मामला हो गया है कि यदि आपने किसी बच्चे को कहीं भी कहीं भी काम पर लगाए यह कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उन्हें सिर्फ खतरनाक जगह पर नहीं लगा सकते कहीं भी नहीं लगा सकते इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंड का भी प्रावधान है मतलब यदि आपने चौदह साल से कम उम्र के बच्चों से कहीं भी काम करवाया तो आपके खिलाफ केस चलाया जा सकता है आपको दंड दिया जा सकता है पूरी व्यवस्था है बाल श्रम संशोधन 2016 वाला देख लीजिए एक बार बाल श्रम निषेध विनियम और विनियमन अधिनियम जो था उसमें 2016 में संशोधन किया गया और यह उन्नीस का अधिनियम उन्नीस के अधिनियम में 2016 में संशोधन करके इसका नाम बदला गया और इसका नाम कर दिया गया बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम उन्नीस अब देखो वर्तमान स्थिति क्या है ये एक बार मैं आपको बता देता हूं आप क्या करिए तीन कैटेगरी में बच्चों को बांट लीजिए नंबर एक 14 वर्ष से कम चौदह वर्ष से कम आयु तो कहीं भी काम पर नहीं लगा सकते कहीं भी नहीं चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप वर्तमान में कहीं भी काम पर नहीं लगा सकते नंबर एक नंबर दो चौदह वर्ष से लेकर अठारह वर्ष जो चौदह से अठारह वर्ष के बच्चे हैं आप इन्हें खतरनाक जगहों को छोड़कर कहीं भी काम पर लगा सकते हैं खतरनाक स्थानों को छोड़कर जहां उनकी जान को खतरा हो सकता है जैसे खदान में कारखाने में फैक्ट्री में माइंस में आप इन्हें नहीं लगा सकते बाकी आप इन्हें कहीं भी लगा सकते तीसरा है अठारह वर्ष से ऊपर जो अठारह वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं या किशोर हैं, उन्हें कहीं भी कहीं भी काम पर लगाया जा सकता है इज दैट क्लियर आ गया समझ में तो हमने तीन कैटेगरी में बांट दिया चौदह से कम चौदह से अठारह और अठारह से ऊपर तो चौदह से कम वालों को तो आप कहीं भी नहीं लगा सकते चौदह से अठारह वालों को खतरनाक जगहों को छोड़कर बाकी जगह लगा सकते हैं और अठारह से ऊपर वालों को कहीं भी आप काम पर लगा सकते हैं ये समझ में आया हमने इसको तीन कैटेगरी में बांट दिया अब आइए यह आपका मौलिक अधिकार खत्म हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद तेईस और चौबीस में था तो हमारे कितने मौलिक अधिकार हो गए अभी तक अभी तक हमारे तीन मौलिक अधिकार पूरे हो गए पहला समता का अधिकार दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अब आइए चौथे मौलिक अधिकार की तरफ चलते हैं और यह बड़ा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हमारे यहां पर आपको पता है ये मौलिक अधिकार देने की क्या जरूरत थी या ये क्या है अब जब देश आजाद हुआ था ना तो आपको पता है कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर ये मांग की गई कि मुसलमानों का अपना एक देश बनाया जाना चाहिए भारत से अलग करके तो उसके बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ और पाकिस्तान के राष्ट्रीय धर्म के रूप में इस्लाम को अपनाया गया तो इस्लाम वहां पर एक राज्य धर्म है वहीं भारत के सामने भी एक क्वेश्चन था कि हम क्या करें हमारे पास वैसे बहुसंख्यक आबादी तो हिंदुओं की थी हमारे पास हिंदू ही सबसे ज्यादा थे मेजोरिटी में लेकिन भारत में हिंदुओं के अलावा और भी कई धर्म के लोग रहते थे यहाँ सिख भी हैं ईसाई भी हैं मुस्लिम भी हैं पारसी भी हैं यहूदी भी हैं जैन भी हैं बौद्ध भी हैं बहुत सारे हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन ये था कि हम क्या करेंगे क्या हिंदू को राष्ट्रीय धर्म बनाया जाए क्या पाकिस्तान की तरह हम भी एक धर्म वाला राज्य बनाए लेकिन नहीं हमें वो नहीं चाहिए था क्योंकि अगर ऐसा करते तो फिर बाकी के धर्म के लोगों के लिए जीना भारत में मुश्किल हो जाता उन्हें भी तो भारत में रहना है वो भी तो भारत के नागरिक हैं तो ऐसी स्थिति में भारत ने किसी धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं अपना बल्कि हमारे संविधान सभा ने यह तय किया कि भारत एक सेक्युलर स्टेट बनेगा जहां हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के रीति रिवाजों को परंपराओं को मान्यताओं को पालन करने का पूरा अधिकार होगा ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म को मानने वाले और संख्या में कम है तो बहुसंख्यक आपके धार्मिक रीति रिवाजों को पालन करने से आपको रोकेंगे या आपके ऊपर दबाव बनाएंगे या आपका धर्म परिवर्तन कराएंगे तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान जो है भारत का उसने गारंटी दी निडर हो जाइए चिंता छोड़ दीजिए जिस धर्म को मान रहे हो मानते रहिए आपको कोई परेशान नहीं करेगा आपके धर्म में कोई दखल नहीं देगा और आपको कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा तो इस प्रकार से हमारे यहां पर आप देखोगे अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में कुछ मौलिक अधिकार जोड़े गए और ये सारे मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को भारत में चाहे वो विदेशी हो चाहे वो देशी हो कोई भी हो अपने अपने धर्म को अपने अपने हिसाब से मानने का अधिकार देता है सही मायनों में यही वो मौलिक अधिकार हैं यही वो अनुच्छेद हैं, जो हमारे देश को एक सेक्यूलर स्टेट बनाते हैं प्रस्तावना में आप पढ़ते हैं क्या हमारे यहाँ विचार की अभिव्यक्ति की विश्वास की धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है तो प्रस्तावना पहले ही क्लियर कर चुकी है यहाँ कि हमारा देश कैसा होगा फिर बाद में 1976 में पंथनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द भी जोड़ दिया गया बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा इसी के साथ में अंदर भी कुछ मौलिक अधिकार दिए मतलब ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं एक होता ना कि आप किसी से बोलते हैं बस कई सारे लोग आपके आसपास भी ऐसे होंगे जो सिर्फ बोलते हैं कि हाँ आपका काम कर देंगे आपके हम हितैषी हैं, आपके वेल विशर है पर अंदर से नहीं है नीयत नहीं है उनकी ऐसा करने की इंटेंशन नहीं है उनका ऐसा करने का भारत के संविधान में ऐसी कोई आपको कमी नहीं मिलेगी हम जो बोल रहे हैं हम वो करके भी दिखा रहे हैं इस मामले में हमारा जो मामला है वो एकदम साफ है कि हम सिर्फ बोल नहीं रहे कि आपको धर्म की आजादी होगी हम आपको गारंटी देते हैं हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको अपने धर्म को मानने का एक मौलिक अधिकार हो तो क्या है अनुच्छेद 25 से 28 सबसे पहले 25 की बात करते हैं अनुच्छेद 25 बेसिकली हमारे यहां व्यक्तिगत रूप से आपके धर्म की स्वतंत्रता को संरक्षित पर्सनल व्यक्तिगत इंडिविजुअल जैसे मैं एक व्यक्ति हूं आप एक व्यक्ति हैं कोई भी एक व्यक्ति जो है हर व्यक्ति भारत में कोई ना कोई धर्म को फॉलो करता है या हो सकता है कि मुझे किसी धर्म में इंटरेस्ट नहीं हो जिसका मैं सदस्य हूं मुझे दूसरे धर्म में इंटरेस्ट हो तो फिर जैसे आप लोग जॉब करते हैं ना तो आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है जि, जिस जॉब को आप कर रहे हो आपका मन नहीं लग रहा वहां पर आपको मजा नहीं है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो आप उस जॉब को क्विट कर दो छोड़ दो दूसरी जॉब में चले जाओ कहीं और जाके जो है अपना नौकरी का बंदोबस्त कर लो कोई मना करने वाला नहीं ऐसा ही मामला धर्म का भी ये चॉइस का मामला है हर व्यक्ति का निजी मामला है कोई जबरदस्ती नहीं जिस धर्म को मानना हो उस धर्म को मानने का पूरा अधिकार नहीं तो होता क्या देखो आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या थी ऐसे ही बोल देते लेकिन ऐसा नहीं है अगर ये मौलिक अधिकार नहीं होते ना तो ऐसे लोग जो किसी धर्म को मानने वाले बहुत कम है संख्या में वो हमेशा डरे डरे से रहते के आज नहीं तो कल पता नहीं हमारे धर्म पर हमारे रीति रिवाजों पर परंपरा पर आंच आ सकती है ठीक है तो हमारा अनुच्छेद 25 जो है वो आपको आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है देखो 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को सभी व्यक्ति मतलब कोई भी हो चाहे वो भारतीय हो या ना हो अंतकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने और प्रचार करने का हक देता है बराबर हक अब इसमें आपको दो तीन शब्द दिखाई दे रहे होंगे एक अंतकरण की स्वतंत्रता इसका क्या मतलब दूसरा अबाध रूप से मानने का मतलब क्या है आचरण करने का मतलब क्या और प्रचार करने का मतलब क्या है तो इसमें आपको चार चीजें मिली पहले हम लोग बोले अंतकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या है देखो हर व्यक्ति के अंदर हम कहते हैं अंतरात्मा होती अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कभी कभी आपको लगता है ना कि कोई काम करते समय आपके अंदर से एक आवाज आती है जो आपको रोकती है उस काम को करने से या उस राम उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है कि नहीं मेरा मन कह रहा है कि ये काम ठीक नहीं है आप अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर अपने अंतकरण के आधार पर आपको जिस धर्म से जुड़ना उस धर्म से जुड़ने की आज़ादी दी गई ऐसा देखो अब इंसान के पैदा होने पर तो कोई उसका कंट्रोल है नहीं कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में पैदा हो गया कोई मुस्लिम में हो गया कोई सिख में हो गया कोई ईसाई में हो गया लेकिन बाद में उसको उस धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अब बाय डिफॉल्ट वो उस धर्म का सदस्य है लेकिन उस धर्म में उसका मन नहीं लगता उसका किसी दूसरे धर्म के प्रति आकर्षण है तो भाई आप उस धर्म से जुड़ जाओ कोई मना नहीं कर रहा आपको इसी को कहते हैं अंतकरण की आवाज या उसकी स्वतंत्रता हर व्यक्ति को अपने भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर जिस धर्म से जुड़ना चाहें उस धर्म से जुड़ जाइए अब ऐसा आपको लग रहा है कि बोलना आसान है लेकिन कठिन है वास्तव में कठिन तो है कि मान लीजिए कि आप किसी दिन ये घोषणा करें कि आज से मैं धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहा हूं तो हमारे देश में ना बवाल आ जाता है ऐसी से घर में परिवार में रिश्तेदारों में हर व्यक्ति को मतलब फिर सारी दुनिया की चिंता छोड़ के ये चिंता सताने लगती है कि ये व्यक्ति तो हमारा धर्म छोड़ रहा है दूसरे धर्म फिर वो आपसे ताल्लुकात छोड़ देंगे रिश्ता छोड़ देंगे बात करना छोड़ देंगे मिलना जुलना छोड़ देंगे ऐसा लगने लगेगा कि जैसे कोई गलत काम कर लो जैसे कुछ गलत काम कर दिया मैंने आपको ऐसा रियलाइज होने लगेगा क्योंकि हमारे यहां सामाजिक दबाव सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है तो जितना आपको ये यह यहां आसान दिखाई दे रहा उतना ही वो मुश्किल भी है एक तरह से पहाड़ टूट पड़ा हो जैसे कोई लेकिन फिर भी आपको आजादी है कि कानूनन रूप से तो आप ऐसा कर सकते हो जैसे हमारे यहां शादी के मामले में होता है कि नहीं होता है कि जब आपको किसी दूसरे धर्म की लड़की पसंद आ गई प्रेम हो गया अब भाई प्रेम है तो प्रेम तो देखता नहीं कि धर्म कौन सा है जाति कौन सा है प्रेम तो जाति और धर्म देख के होता नहीं अब किसी से प्रेम हो गया और आपने घर वालों को बताया कि उस दूसरे धर्म की लड़की है या लड़का है तो आपको पता है कि उनके ऊपर क्या बीतेगी उसके बाद क्या रिएक्शन होगा कानूनन रूप से हर वयस्क व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकता है धर्म जाति का कोई मैटर नहीं हुआ लेकिन प्रैक्टिकली तो घर में समस्याएं आती है कि नहीं आती वैसा ही मामला यहां भी है कानूनन रूप से तो आप अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को अपना सकते हो ये आपका मौलिक अधिकार है अब उसके बाद घर में क्या होता है वो वो सरकार के हाथ में नहीं है वो संविधान उसमें कुछ नहीं कर सकता वो आपको हैंडल करना पड़ेगा वो आपको मैनेज करना पड़ेगा ठीक है फिर मानने का अधिकार अब देखो आपको ऐसे कई बार होता है ना कि इंसान कुछ काम दूसरों के डर से छिप छिप के करता है अब प्रेम हो गया तो प्रेमिका से छुप छुप के मिल रहा है सबके सामने नहीं मिल सकता नहीं तो सबको पता चल गया तो बवाल हो जाएगा तो ऐसे ही किसी धर्म से मान लीजिए कि वो जुड़ जाए लेकिन चोरी छिपे छिप के जो है पूजा कर रहा है या छिप के नमाज पढ़ रहा है या छिप छिप के चर्च जा रहा है क्योंकि वो बता नहीं सकता सबको कि मैंने कौन सा धर्म अपना लिया ये मौलिक अधिकार भी है कि आपको डरने की जरूरत नहीं इसमें दूसरा अधिकार यह है कि बिना डर के बिना भय के निडर होकर घोषणा कर सकते हो कि मैं उस धर्म से जुड़ गया हूं या मैं आज से उस धर्म को मान रहा हूं जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने घोषणा कर दी थी कि मैं बौद्ध धर्म से जुड़ गया हूं और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया आपको भी यह अधिकार है कि आप उसकी घोषणा कर सकते हो अपने धार्मिक विश्वास की अपने आस्था की सार्वजनिक घोषणा कर सकते हो बिना किसी डर के या आपका मौलिक अधिकार कोई आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता ध्यान रखिए तीसरा अब जिस धर्म से जुड़ा हूं एक क्वेश्चन आता है क्या मुझे उस धर्म के सारे रीति रिवाजों को मानना पड़ेगा क्या उस धर्म के हर एक चीज को मानना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को अपना लेता है अपने धर्म को छोड़कर क्योंकि उसको हिंदू धर्म में आस्था है लेकिन उसको मंदिर में आस्था नहीं वो मंदिर जाना पसंद नहीं करता उसको मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं वो सुबह उठ के रोज अगरबत्ती घुमाने में विश्वास नहीं करता भगवान को या वो दिया नहीं लगाता भगवान को बस वो हिंदू धर्म की विश्वास या मान्यताओं से जुड़ गए तो ऐसे कोई जरूरी है नहीं है मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया ले लेकिन रोजा नहीं रखना चाहता नमाज नहीं पढ़ना चाहता तो ना पढ़े मस्जिद नहीं जाना है ना जाए तो आपको यह अधिकार है कि आप उस धर्म से जिससे आप जुड़े हो उसका आचरण अपने हिसाब से कर सकते हो आगे समझ में आपको यह अधिकार है कि आप धार्मिक पूजा परंपरा समारोह और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता रखते हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको उस धर्म को फिर कोई जबरदस्ती हो जाएगी मानना वैसा का वैसा आ रहा है समझ में यह पच्चीस की आपकी तीसरी स्वतंत्रता अनुच्छेद पच्चीस की चौथी स्वतंत्रता है प्रसार का अधिकार फिर अंत में आपको अपने धर्म के आस्था के प्रचार और प्रसार करने का अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करने का और इस तरह का अपने धर्म की अच्छाइयों को लोगों को बताने का अधिकार है आप लोगों को बता सकते हो कि हमारे धर्म में क्या क्या अच्छा है आप उन्हें अपने धर्म की अच्छाइयों से अवगत करा सकते हो मतलब एक प्रकार से अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो पोस्टर छपवा सकते हो दुनिया में आप जो है सभाएं करके सम्मेलन करके भाषण देके धर्म का प्रचार कर लो कोई दिक्कत नहीं लेकिन इसमें किसी व्यक्ति को जबरन अपने धर्म में परिवर्तित या धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है जब आप किसी व्यक्ति को झूठ मूठ बोल के छल कपट से अपने धर्म में परिवर्तित करते हो तो यह भी उसके मौलिक अधिकार का हनन है कोई इच्छा से आपके साथ जुड़ना चाहे वो बात अलग है वो व्यक्ति को आपने बेवकूफ बनाया उस व्यक्ति को आपने छल कपट से अपने धर्म में जोड़ लिया तो ये अधिकार नहीं देता आपको यदि दे। है ना कई सारे मिशनरी लोग जो हैं, वो जंगलों में जाके आदिवासियों को जनजातियों को धर्म में परिवर्तित करा रहे थे भोले भाले आदिवासियों को अपने धर्म में कन्वर्ट करवा रहे थे क्योंकि उन्हें इतना नॉलेज तो है नहीं इन चीजों का तो वो उनके छल कपट को समझ नहीं पाए जब ये मामला कोर्ट में गया तो उन्होंने दलील दी कि अनुच्छेद 25 हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपको धर्म में प्रचार करने का अधिकार तो है लेकिन धर्म में परिवर्तित कराने का अधिकार थोड़े ना है कोई अपनी मर्जी से करना चाहे तो आ सकता है लेकिन आप किसी को पकड़ के नहीं ला सकते अपने धर्म में तो ये अनुच्छेद पच्चीस का चौथा अधिकार हो गया जबरदस्ती किया गया या छल कपट से किया गया धर्मांतरण सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है भाई इसी अनुच्छेद में यह लिखा है कि अपने मन से अपने मन से कोई जुड़ना चाहे किसी धर्म से तो जुड़ सकता है आप नहीं जुड़वा सकते किसी उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद पच्चीस केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरण को भी अपने अंदर समाहित करता है कि आप जिस धर्म के विश्वास को मानना चाहे मानिए और लेकिन आचरण भी इसमें जुड़ा हुआ है जैसा आचरण करना चाहे वैसा आचरण करिए और ये अधिकार फाइनली सभी व्यक्तियों के लिए है चाहे वो भारत का नागरिक है या नहीं है हालांकि हमने कल भी ये बात की थी कि मौलिक अधिकारों में कुछ भी सीमा से बाहर नहीं हो सकता हर चीज की एक लिमिट होती है भाई हमारे यहां बोलते ना अति सर्वत्र वर्जे थे तो अति या एक्सेस तो बुरा होता है इस अधिकार के प्रयोग पर भी कुछ सीमाएं हैं इसका ये मतलब नहीं कि आपको धार्मिक आचरणों का पूरा अधिकार है तो आप जैसा चाहे उसको फॉलो करें इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने अभी देखा होगा कोविड में रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत और पूरी दुनिया में एक महामारी आई हमारे यहां भी लॉकडाउन लगा सब कुछ बंद हो गया सब कुछ स्कूल कॉलेज मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए और ऐसे में कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर घर से बाहर निकले तो उसे जो है घर में वापस भेजा गया रोका गया बाहर घूमने से अब कोई व्यक्ति बाहर निकला मान लीजिए और उसको पुलिस ने रोका कहा जा रहे हो पुलिस पूछ रही है कि कहा जा रहे हो और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं मंदिर जा रहा हूं या मैं मस्जिद जा रहा हूं पुलिस ने कहा कि नहीं जा सकते बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है आप मंदिर या मस्जिद नहीं जा सकते वो व्यक्ति चिड़ गया वो व्यक्ति कोर्ट चला गया कि मिलोड अनुच्छेद 25 मुझे मेरे धर्म के आचरण का अधिकार देता है और उसमें मंदिर जाना या मस्जिद जाना भी शामिल है लेकिन ये पुलिस वाले मुझे जाने नहीं दे रहे मंदिर बंद कर दिया मस्जिद बंद कर दी या गुरुद्वारा बंद कर दिया चर्च बंद कर दिया तो मेरे धार्मिक आचरणों का क्या होगा ये तो मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है तो अब आप ही मुझे बताइए क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति को अपने धार्मिक आचरण करने दिए जा सकते हैं नहीं स्वाभाविक सी बात है कि ये तो लोगों के हित में ही नहीं है आप जाएंगे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कहीं भी जाएंगे तो आप वहां जाएंगे तो उससे जो है आप दूसरों के संपर्क में आएंगे और जो महामारी वैसे ही फैल रही है वो और ज्यादा तेजी से फैल सकती है कितने लोगों की जिंदगी खतरे में जाएगी तो ऐसे धार्मिक आचरण का भी क्या फायदा कि जिससे दूसरों की और अपनी खुद की जिंदगी खतरे में जाती हो धर्म एक सीमा तक ही अच्छा है ना यदि धर्म के कारण लोगों की जान जाती हो धर्म के कारण किसी को तकलीफ होती हो तो वो धर्म थोड़े होता है वो तो अधर्म होता है है ना आपको पता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई तुलसीदास ने बोला ऐसा कि अगर आप किसी व्यक्ति का हित करते हो भला करते हो तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं और यदि आपकी वजह से किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है पीड़ा होती है या उसको कष्ट होता है तो ये धर्म नहीं है ये अधर्म है और इससे बड़ा अधर्म नहीं है दुनिया में तो ऐसे में आपको कैसे धर्म का प्रचार प्रसार पालन आचरण सब कुछ कैसे करने दिया जाए तो ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता स्वास्थ्य और मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है मतलब राज्य राज्य नैतिकता के आधार पर कि अगर आप ऐसा कोई धार्मिक आचरण कर रहे हैं जो अनैतिक है तो आप ये बोल के नहीं बच सकते कि हमारा धार्मिक आचरण सती प्रथा सती प्रथा आपको पता है कि भारत में बहुत पहले से चली आ रही थी हालांकि इस पर अब बैन लगा दिया गया सब कुछ हो गया लेकिन यदि कोई व्यक्ति सती प्रथा का पालन करता है ये बोलते हुए कि ये तो हमारे धार्मिक आचरण का मामला है तो फिर आपको सती प्रथा करने की इजाजत कैसे दे सकते हो मानवीय गरिमा के खिलाफ प्रतिष्ठा के खिलाफ और वो नैतिकता के खिलाफ वो तो अनैतिक वो तो गलत काम है तो यदि आप कोई ऐसा धार्मिक आचरण करते हैं जैसे बलि देना किसी धार्मिक उत्सव में किसी मनुष्य की बलि देना किसी पशु की बलि देना और ऐसा कुछ आप करते हैं तो ये चीज तो अनैतिक मानी जाएगी और उसको तो रोका जा सकता है आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है तो नैतिकता के खिलाफ अगर आप काम कर रहे हो सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ कोई आचरण कर रहे हो तो रोका जा सकता है स्वास्थ्य के जैसे कोविड वाला मामला यही था और अगर आपके धार्मिक आचरण से किसी दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है कोई सा भी तो भाग तीन के किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर रोका जा सकता है आपको धार्मिक आचरण से अब आगे समझ में अरे हर काम में मैंने कहा ना कि सीमा ही अच्छी। लिमिट अच्छी होती है। करिए धार्मिक आचरण करिए धर्म को मानिए करिए जो करना है लेकिन एक लिमिट में गलत काम नहीं कर सकते और अगर ऐसा करोगे तो फिर मौलिक अधिकार का झंडा दिखा के बच नहीं सकते हैं। है ना चलिए अभी आपने देखा होगा हमारे रिसेंटली तीन तलाक का भी मामला आया कुछ समय पहले तीन तलाक को लेकर बहुत बवाल मचा था इस देश में कई लोगों ने कहा कि ये तो हमारे धार्मिक आचरण का मामला है भाई हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मामला है आपको दखल देने की जरूरत नहीं है राज्य का इससे क्या देना हम तीन तलाक दें ना दें हमारा पर्सनल मैटर है हमारा धार्मिक मामला है कैसे मामला धार्मिक हो गया अगर किसी व्यक्ति के दूसरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप नहीं रह सकते और इसीलिए आपको पता है कि उसको बैन किया सुप्रीम कोर्ट ने खुद बैन कर दिया इसको गलत माना इसे अन्याय माना एक प्रकार से कि भाई महिला को अचानक से इस तरह की चीज में स्थिति में डाल देना कहां तक सही है उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाए उसका तो पूरा भविष्य खतरे में चला गया अंधेरे में चला गया तो ये धार्मिक आचरण भी हो सकता ना मैंने आपको सती प्रथा बोला तीन तलाक बोला हर धर्म में बुराई है कहा नहीं तो ये धर्म का आचरण अच्छाइयों तक सीमित है बुराइयों से नहीं अगर बुराई है कोई धर्म में तो उस बुराई को तो हम रोक सकते हैं बिल्कुल ठीक है तो यह राज्य को इस बात की अनुमति देता है कि धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक वित्तीय राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का वो विनियमन या रेगुलेशन या निर्बंधन करे उसको रोक सकता है फिर सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना अब हमारे यहाँ पर आपको पता है ना कि पहले जाति के आधार पर कई सारे भेदभाव होते थे लिंग के आधार पर भी कि महिला किसी मंदिर में महिला नहीं आ सकती पुरुष ही आ सकते हैं सिर्फ या कहीं पर सिर्फ ऊंची जाति के लोग आ सकते हैं नीची जाति के लिए लोग नहीं आ सकते तो सरकार यहाँ पर थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकती समझने वाली बात है कि भारत ने पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा को क्यों नहीं अपनाया इसीलिए नहीं अपनाया क्योंकि हमारे यहाँ सरकार का रोल थोड़ा सा अलग है हमारे यहाँ राज्य का ये काम है कि वो इन मामलों को रेगुलेट करे कहीं कोई गड़बड़े तो दखल दे किसी के साथ अन्याय ना होने दे धर्म के नाम पर ठीक है तो ये आपका अनुच्छेद 25 देखो अनुच्छेद 25 में दो व्याख्याएं भी है एक तो कृपाण धारण करना जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो सिख समुदाय के लोग हैं वो अपने साथ में कटार या कृपाण टाइप का एक अस्त्र रखते हैं तो वैसे तो आपको पता है कि भारत में कोई अस्त्र लेके आप नहीं चल सकते है ना कि अगर किसी व्यक्ति के पास में जेब में अगर एक छोटा सा चाकू भी है तो भी ये गलत है आप ऐसा कोई हथियार अपने पास लेकर नहीं चल सकते तो ऐसे में ये क्वेश्चन उठा था कि क्या सिख समुदाय के लोगों को कृपाण धारण करना सही है क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का हथियार हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इसमें कोई गलत नहीं है ये उनके धार्मिक ठीक है आचरण से जुड़ा हुआ मामला है और कृपाण धारण करना और उसको लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा तो इसको उन्होंने मान्यता दी दूसरा हिंदुओं की जब बात आती है तो हिंदुओं में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं है सिख धर्म के लोग जैन धर्म के लोग और बौद्ध भी इसमें आते हैं सिख जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भी हिंदू धर्म में माना गया है ठीक है फिर आ जाइए 26. अब अनुच्छेद 25 तक का मामला तो क्लियर हो गया 25 मैंने आपसे कहा कि व्यक्तिगत रूप से आपको अधिकार देता है अपने धर्म को अपने हिसाब से डील करने का अनुच्छेद 26 आपको समुदाय के आधार पर ही अधिकार देता है भाई हमारे यहां पर कई सारे धार्मिक समुदाय हैं, तो धार्मिक समुदायों का भी एक सामूहिक अधिकार आपको 26 में मिलेगा अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय जो भी धार्मिक संप्रदाय भारत में है या उसका कोई अनुभाग है अनुभाग से मतलब कि उसका कोई संगठन है उसकी कोई ब्रांच है उससे जुड़ा हुआ उसकी कोई शाखा है कोई भी तो उसको भी कई सारे अधिकार प्राप्त होंगे और यह सामूहिक रूप से आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है क्या क्या है देखो धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार कि ऐसा कोई धार्मिक संप्रदाय अपने धार्मिक प्रयोजन या धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है जैसे कोई ट्रस्ट वैष्णो देवी ट्रस्ट का नाम सुना होगा आपने है ना कई सारे ट्रस्ट होते हैं धार्मिक ट्रस्ट होते हैं तो इनकी स्थापना कर सकते हो और इन्हें चला भी सकते हो फिर अपने धर्म से जुड़े हुए मामलों का प्रबंधन कर सकते हो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि उस ट्रस्ट या उस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा अभी फिर आप जंगम और स्थावर संपत्ति खरीद सकते हो जंगम और स्थावर का क्या मतलब होता है आपने सुना होगा ना चल अचल संपत्ति मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ संपत्ति ऐसी होती है जिन्हें आप एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं जैसे आपका आपकी गाड़ी वाहन गोल्ड सोना आपने खरीदा सोना वो आपकी संपत्ति है तो ये जंगम संपत्ति है ये चल संपत्ति है, है भूमि एक अचल संपत्ति है आपने अगर कोई जमीन खरीदी तो जमीन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरी जगह वो वही रहेगी तो मकान हो गया भूमि हो गई ऐसी संपत्ति को स्थावर कहते हैं और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको जंगम कहते हैं तो आप चल या अचल संपत्ति भी अपने धार्मिक संप्रदाय के लिए खरीद सकते हैं रख सकते हैं कोई भवन भूमि आश्रम की जमीन मदरसे के लिए जमीन यह आप खरीद सकते हैं ठीक है ऐसी संपत्ति का, का कानून के अनुसार मनमाने ढंग से नहीं कानून के अनुसार प्रशासन भी कर सकते हैं आप अपनी संपत्ति पर अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं लेकिन कानून के दायरे में अब इस मामले में जैसे केरल में आपने देखा होगा कि अभी एक मंदिर है आपको नाम पता होगा उस मंदिर का अच्छे से जहां पर कुछ दिन पहले ये बात उठी थी कि वहां पर एक निश्चित आयु की महिलाओं को ठीक है जो कि जिनका पीरियड साइकिल चल रहा होता है बच्चियों और वृद्ध महिलाओं को छोड़कर ऐसी महिलाओं को मंदिर में नहीं जा, जाने देते वहां पर लेकिन सबको जाने दे रहे तो उन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई कोर्ट में वो चले गए और उन्होंने कहा कि यह तो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है अनुच्छेद पंद्रह ये कहता है कि लिंग के आधार पर आप ऐसी जगहों पर भेदभाव नहीं कर सकते तो उन्होंने धार्मिक संप्रदाय के रूप में ये तर्क दिया हाँ बिल्कुल सबरीमाला मंदिर के बारे में आप सभी जानते हैं तो उन्होंने ये ट्रस्ट जो है ट्रस्ट ने उन्होंने ये तर्क दिया अनुच्छेद 26 का हमारा मौलिक अधिकार हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने धार्मिक विषयों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं समझ में आ रही मेरी बात क्योंकि हमारे यहां पर जो भगवान है उन भगवान को हम एक सजीव मानते हैं तो उनके हिसाब से हम ये सारी चीजें मैनेज करते हैं तो हमारी इच्छा होगी तो हम एंट्री देंगे नहीं देना हो तो नहीं देंगे तो ये 26 के अनुसार उन्होंने तर्क दिया था कि हमारे मौलिक अधिकारों का मामला लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं माना उनके अनुसार ये अनुच्छेद चौदह समता के विरुद्ध है अनुच्छेद पंद्रह में जो विभेद का प्रतिषेध किया यह उसके भी खिलाफ क्योंकि आप लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते और वैसे भी पहले ही किया कहा गया है कि राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है अगर आपके 26 के मौलिक अधिकार ने आपको यह अधिकार दिया है तो आपको पता होगा कि युक्ति युक्त प्रतिबंध तो उस पर हो सकते हैं आया समझ में तो ये जो आप देख रहे हो ना इतने सारे अधिकार अनुच्छेद 26 में एक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को दिए गए हैं अब ध्यान ये रखना कि अनुच्छेद 25 जो है अनुच्छेद 25 जहां आपको व्यक्तिगत गारंटी देता है स्वतंत्रता देता है धर्म से जुड़े मामलों में वही अनुच्छेद 26 आपको एक संप्रदाय के रूप में अधिकार देता है दूसरे शब्दों में अनुच्छेद छब्बीस सामूहिक धार्मिक रूप से आपके अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 25 की तरह अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है मतलब आप नैतिकता के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर आदि के आधार पर आपके ऊपर युक्तयुक्त प्रतिबंध राज्य लगा सकता है अब किसको धार्मिक संप्रदाय माना जाए और किसको नहीं एक क्वेश्चन ये भी है ये अधिकार धार्मिक संप्रदायों का अधिकार है तो भाई एक क्वेश्चन तो ये कि धार्मिक संप्रदाय में कौन आता है और नहीं आता है इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक संप्रदाय किसी को तभी माना जाएगा जब वो ये तीन शर्तें पूरी करेगा इन तीन शर्तों को पूरी करने वाले को ही हम एक धार्मिक संप्रदाय मानेंगे कौन कौन सी शर्त नंबर एक यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जिनका विश्वास तत्व उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो मतलब अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए अपनी तुष्टि के लिए वो इस प्रकार का काम कर रहे हो दूसरा इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं एक संगठन के रूप में ये संगठित होना चाहिए और तीसरा इनका एक विशिष्ट नाम भी होना चाहिए इनके पास में धार्मिक क्रियाकलाप ये करने चाहिए इनका संगठन होना चाहिए इनका एक नाम होना चाहिए तभी हम उसे धार्मिक संप्रदाय मानेंगे तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मिशन आपको पता है ना स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस ठीक है के विचारों को उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए तो रामकृष्ण मिशन को न्यायालय ने एक धार्मिक संप्रदाय माना आनंद मार्ग को भी हिंदू धर्म के अंतर्गत एक धार्मिक संप्रदाय माना क्योंकि इनका एक संगठन है इनका अपना एक नाम है और ये अपने आत्मिक तुष्टि के लिए इस प्रकार के विश्वास से जुड़े हैं समझ गए आप? तो उन्होंने क्या माना तो उन्होंने इसे एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अरविंदो सोसाइटी एक धार्मिक संप्रदाय नहीं है क्योंकि वो धार्मिक क्रियाकलाप से नहीं जुड़ी हुई है इनका कोई इस प्रकार का संगठन नहीं है तो इन्हें धार्मिक संप्रदाय हम नहीं मान सकते तो 25, 26 दोनों हो गया देखो 25 में संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है कि व्यक्तिगत रूप से अपने धर्म को जैसा चाहो मानो 26 ये लेकिन एक बार ध्यान रखना अक्सर मैंने देखा है कि जब किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि आप मंदिर चलो या पूजा करो उपवास रखो रोजे रखो नमाज पढ़ो तो उन्हें लगता है कि यह हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है यह सच है यह आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है लेकिन जब वो किसी व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकते हैं या मंदिर जाने वालों को आडंबर या कर्मकांडी या इस प्रकार से बोलते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि ये दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है आप मंदिर मस्जिद नहीं जाना चाहते ना जाए यह आपका मौलिक अधिकार है लेकिन जो जा रहे हैं उन्हें बेवकूफ बताना उनका उपहास करना उनका मजाक उड़ाना ठीक है तो ये भी गलत है क्योंकि ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन उनका भी तो अधिकार है कि वो अपने मौलिक अधिकार को अपने हिसाब से यूज करें तो आप किसी को ऐसे आरोप भी नहीं लगा सकते कि आप गलत हैं आपको नहीं जाना है ना जाए पर वो सामने वालों को ढोंगी बोलना आडंबर वाला बोलना कर्मकांडी बोलना या नाटक करने वाला या बेवकूफ बोलना यह भी सही नहीं ओके okay? तो अनुच्छेद 27 में आइए अनुच्छेद 27 में उल्लेखित कि है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करो के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा क्या है इसका मतलब देखिए इसका मतलब क्या है मान लीजिए कि आपको पता है कि हमारे यहाँ सरकार जो है वो कैसे चलती हमारे और आपके टैक्स के पैसों से चलती है सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है टैक्स कर तो हम सरकार को पैसा क्यों देते हैं बताइए सरकार को टैक्स या सरकार को पैसा इसलिए देते हैं कि सरकार हमारे लिए काम करे विकास करे ठीक है लोगों के उत्थान के लिए काम करे कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करे अब यदि मान लीजिए आपका पैसा सरकार आपसे ले और किसी खास धर्म के लिए यूज करे किसी धर्म को बढ़ावा जैसे आप हिंदू हैं तो सरकार मुसलमानों को बढ़ावा देने के लिए उस पैसे का यूज करे आप मुसलमान हैं तो आपके पैसे का यूज हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए करे तो आपको बुरा लगेगा ये तो बिल्कुल सही नहीं है और ये एक प्रकार से गलत बात सरकार को इसलिए पैसा नहीं दिया था जैसे आपने किसी व्यक्ति को किसी दूसरे काम के लिए पैसा दिया और वो उस पैसे से अपने लिए कुछ कर रहा है तो आपको बुरा लगेगा वैसे ही हर व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि उसके द्वारा जो टैक्स सरकार को दिया जाता है जो पैसा सरकार को दिया जाता है उस पैसे का यूज सरकार किसी खास धर्म के लिए ना करे है ना और यदि मान लीजिए कि सरकार कल को आपके ऊपर जीएसटी लगाती है किसी सामान के खरीदने पर आप खुशी खुशी दे देते हैं सरकार आपसे इनकम पर टैक्स लगाती है वो भी आप दे देते हैं लेकिन यदि सरकार किसी धर्म को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देने के लिए उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए आपसे कुछ पैसा लेना चाहती है टैक्स लगाती है आपके ऊपर तो ये आपके अनुच्छेद 27 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है ऐसा करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं समझ रहे हो आप सरकार किसी खास धर्म की या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए बढ़ावा देने के लिए किसी तरह का खर्चा करने के लिए उस पर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकती और आपको उस टैक्स को देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि जब आप इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं अगर आपको इनकम टैक्स पे करना है आप दायरे में है तो आपको देना पड़ेगा जबरदस्ती है नहीं तो जेल में डाल देंगे जीएसटी अगर आप पे नहीं करते तो जेल में डाल देंगे आपको बाध्य किया गया है कि आपको देना पड़ेगा ऐसा किसी खास कर कोई खास टैक्स आपसे किसी धर्म के लिए नहीं लगाया जा सकता ये आपका मौलिक अधिकार तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि राज्य के पास जो पैसा आ रहा है उस पैसे को सरकार किसी खास धर्म के उत्थान और रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता अब यहां एक बात ध्यान रखना कि किसी खास धर्म के लिए नहीं लगा सकते सभी धर्मों के लिए लगा सकते यदि सरकार टैक्स के द्वारा लिए गए पैसे का उपयोग सभी धर्मों के लिए बराबर बराबर करती है जैसे मान लीजिए कि एक धर्म के लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए सरकार मुफ्त में तीर्थ यात्रा करा रही सरकार किसी एक धर्म के लोगों को तीर्थ यात्रा कराने में पैसा खर्च कर रही है लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को अपने अपने तीर्थ जाने के लिए सरकार पैसा नहीं दे रही ये आपके अनुच्छेद 27 के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है सरकार सभी धर्म के लोगों को तीर्थ यात्रा करा सकती है कोई दिक्कत नहीं हिंदुओं को अमरनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ मानसरोवर भेज सकती है मुस्लिमों को हज पर भेज सकती है कोई दिक्कत नहीं है ईसाइयों को भी रोम पोप के पास भेज सकती है इटली में या सिख धर्म के लोग तो उन्हें अमृतसर या गुरु जहां भी उनके तीर्थ है वहां उन्हें भेज सकते हैं ननकाना साहिब वगैरह तो ऐसे सबके लिए व्यवस्था करे तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत इस बात में है कि किसी एक धर्म के लोगों को तीर्थ यात्रा करा दे दूसरे धर्म को ना करे ठीक है तो ये अनुच्छेद 27 आपके इस मौलिक अधिकार का क्योंकि पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है ना तो एक धर्म के लिए काम नहीं हो सकता सभी धर्मों के लिए हो सकता है यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म को ठीक है दूसरे धर्म के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है मतलब आप किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकते अब जैसे एक पिता है और उस पिता की चार संतान है जरा ध्यान से समझो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा एक पिता है उस पिता की चार संतान है चार बच्चे हैं उसके तो जो आमदनी उस पिता की होती है उस पिता का कर्तव्य है कि उस आमदनी का हर बच्चे के ऊपर बराबर बराबर खर्चा करे जिस स्कूल में वो अपने एक बच्चे को पढ़ा रहा है उसी स्कूल में उतनी ही फीस दूसरे बच्चों के लिए भी पे करे अगर मान लीजिए कि पिता दो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है और दो बच्चों को जो है खराब स्कूल में या सरकारी स्कूल में या घटिया स्कूल में पढ़ा रहा है किसी या फीस ही नहीं दे रहा है उनके बच्चों के लिए तो ये गलत है या तो सबको एक जैसे स्कूल में पढ़ाओ या किसी को मत पढ़ाओ हालांकि पढ़ाना तो आजकल ज़रूरी है क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य भी, भी है और बच्चों का मौलिक अधिकार भी है तो ऐसा सरकार के साथ भी राज्य के लिए तो सभी बराबर है ना सारे धर्म बराबर है तो जो पैसा खर्च करेगी सबके ऊपर बराबर बराबर करेगी इसका अर्थ यह है कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव और उन्नति के लिए किया जा सकता है तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा लेकिन यह व्यवस्था सरकार को सिर्फ कर लेने से या टैक्स लेने से रोकती है यह सरकार को कोई फीस या शुल्क लेने से नहीं रोकती क्या मतलब है इसका इसका मतलब यह है कि सरकार यदि आपको, आपको आपके धार्मिक यात्रा में या धार्मिक मामले में कोई सुविधा देती है कोई कोई जो है आपको कोई फैसिलिटी देती है तो उसके लिए वो आपसे शुल्क ले सकती है है ना जैसे अमरनाथ यात्रा पर आप जा रहे हैं और सरकार आपके लिए कुछ व्यवस्था कर रही है तो आपसे सरकार कुछ शुल्क या पैसा ले सकती है या हज यात्रा पर आप जा रहे हैं तो सरकार आपसे कुछ पैसा ले रही है शुल्क के रूप में तो वो ले सकती है टैक्स नहीं ले सकती लेकिन शुल्क तो ले सकती है और शुल्क तो इसलिए क्योंकि शुल्क और टैक्स में क्या अंतर है कई सारे बच्चों को तो यही समझ में नहीं आएगा कि टैक्स और फीस में अंतर क्या है तो अंतर यह है देखो कि टैक्स सभी से लिया जाता है जो लोग देश देने योग्य हैं चाहे उनको उनका फायदा मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो उसका जैसे सरकार ने आपसे इनकम टैक्स लिया तो बदले में आपको उतना फायदा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं लेकिन शुल्क उसी से लिया जाता है जिसको उसका फायदा दिया जा रहा है आ रहा है समझ में जैसे आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो पार्किंग शुल्क उसी व्यक्ति से लिया जाता है जिसने अपनी गाड़ी वहां पार्क की है अगर आप वहां अपनी गाड़ी पार्क ही नहीं करोगे तो आपसे क्यों पैसा लेगा पार्किंग वाला है ना तो वो जो पार्किंग का चार्ज लिया जा रहा है वो सारी गाड़ियों से नहीं लिया जा रहा है जो उस एरिया से निकल रही है सिर्फ उन्हीं से लिया जा रहा है जो वहां अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो वो आपको सुविधा का पैसा है ठीक है तो सरकार को टैक्स लेने से मना किया गया है किसी धर्म के लिए लेकिन सरकार तीर्थयात्रियों से शुल्क की उगाही कर सकती है ताकि उन्हें विशेष सुविधाएं और सुरक्षा दी जा सके भाई आपको सुविधा भी चाहिए और सरकार को पैसा भी नहीं दोगे ये तो गलत बात है बिना पैसे के सरकार व्यवस्था कैसे करेगी इसी तरह धार्मिक कार्यकलापों का और उनके खर्च के नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है तो यह हो गया अनुच्छेद 27 में टैक्स का मामला समझ में आया अब देखो अनुच्छेद 28 में आते हैं ये आखिरी अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अब चूंकि मैंने आपसे कहा कि सरकार सबके पैसे से चलती है किसी एक धर्म के दिए हुए पैसों से सरकार नहीं चलती इसलिए सरकार का पैसा सबका पैसा है बराबर का ही? अधिकार है सबका उसके ऊपर तो सरकार अगर अपने खर्चे से कोई स्कूल चला रही है कोई कॉलेज चला रही है तो सरकार वहां पर क्या किसी धर्म के दिशा निर्देश दे सकती है क्या वहाँ पर कोई धार्मिक शिक्षा दे सकती है जैसे स्कूलों में जो आपके स्कूल है सरकारी स्कूल क्या वहाँ पर गीता पढ़ाई जा सकती है क्या वहाँ कुरान पढ़ाया जा सकता है सिलेबस में ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा ठीक है सरकार अगर ऐसा करती है तो आपको बुरा लगेगा क्योंकि ये भेदभाव है अगर आप हिंदू हैं तो आप कतई नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों को स्कूलों में कुरान पढ़ाई जाए या आप मुस्लिम है तो आपको कतई अच्छा नहीं लगेगा कि आपके बच्चों को स्कूलों में वेद पढ़ाया जाए क्योंकि सरकार के पास जो पैसा आता है वो पैसा सभी का है तो इसलिए एक धर्म की शिक्षा सरकार नहीं दे सकती तो इसीलिए धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का जो आपका अधिकार है उपस्थित होना ना होना उससे जुड़ा हुआ मामला अनुच्छेद 28 में है आ गया समझ में तो ये अनुच्छेद 28 बहुत सीधा सा मामला है कि क्या कहीं पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है किसी शिक्षा संस्थान में अब शिक्षा संस्थान अलग अलग होते हैं कुछ सरकार के होते हैं कुछ निजी होते हैं कुछ धर्म के ट्रस्ट के द्वारा धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा स्थापित होते हैं तो शिक्षा संस्थानों में क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है अगर नहीं दी जा सकती तो ठीक है और दी जा सकती है तो क्या गाइडलाइंस है मान लीजिए कि आपका कोई बच्चा है जो किसी स्कूल स्कूल में तो जाएगा ही से किसी न किसी स्कूल में तो जाएगा तो वहां पर आपके बच्चों को कौन सी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है नहीं दी जा सकती है वो सब क्योंकि हमारा धर्म मैंने आपसे कहा कि हमारा जो देश है उसका कोई धर्म तो है नहीं तो किसी धर्म विशेष की शिक्षा तो नहीं दे सकते आप सीधी सी बात है तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि राज्य निधि का मतलब है सरकार का जो खजाना है जहां से सरकार का खर्चा चलता है वहां से यदि कोई शिक्षा संस्थान चल रहा है जैसे सरकारी स्कूल में सारा पैसा सरकार का एक चौक से लेकर तो बच्चों के खाने से लेकर टीचर्स की कर्मचारियों की सैलरी से लेकर हर एक खर्चा सरकार उठाती है अब सरकार का पैसा तो मैंने कहा ना फिर भी बात करूं जनता का पैसा है तो अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा चलाया जा रहा कोई शिक्षा संस्थान है जैसे सरकारी स्कूल है सरकारी कॉलेज है तो अनुच्छेद अट्ठाईस ये कहता है कि वहां पर किसी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती कोई धार्मिक शिक्षा किसी एक धर्म की धार्मिक या किसी भी धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती ना वहां वेद पढ़ाए जा सकते हैं न गुरु न कुरान पढ़ाई जा, जा सकती है ना गुरुबाणी पढ़ाई जा सकती है ना बाइबिल पढ़ाया जा सकता है कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता ठीक है हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थाओं में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है लेकिन उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा की गई हो मतलब जो किसी धार्मिक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं वहां पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है वहां धार्मिक शिक्षा दे सकते जैसे गुरुकुल हो गए मदरसे हो गए वहां कोई धार्मिक शिक्षा क्योंकि वो धार्मिक शिक्षा के लिए ही स्थापित हुए हैं तो वहां दी जा सकता है समझ में आ रही मेरी बात तो पहले तो आपको यह समझना है कि राज्य के द्वारा जितने भी राज्य के खर्चे से चल रहे हैं राज्य ने स्थापित किए हैं आपके आसपास सारे गवर्नमेंट कॉलेज सारे गवर्नमेंट स्कूल सबको लो वहां आप कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते यदि ऐसा किया गया तो ये आपके अनुच्छेद 28 के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा अब मान लीजिए कि निजी कोई निजी स्कूल है प्राइवेट स्कूल भी है प्राइवेट कॉलेज भी है तो ऐसे बहुत सारे स्कूल कॉलेज होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर चलाता है लेकिन उनको मान्यता तो सरकार ही देती है तो यदि ऐसा कोई स्कूल कॉलेज है जो सरकार से मान्यता लेकर चल रहा है निजी है पूरी तरह से प्राइवेट है वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है धार्मिक शिक्षा देने पर कोई रोक नहीं है प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट कॉलेजों में लेकिन उसमें उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जैसे कोई भी आपका स्कूल कॉलेज ले लो प्राइवेट हमारे हैं, बहुत सारे होते हैं ना आपने देखा वहां प्रार्थना होती है कई सारी धार्मिक शिक्षा दी जाती है दी जा सकती है लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको उसमें जाना ही पड़ेगा उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते तो देखो राज्य से मान्यता प्राप्त सारे स्कूल कॉलेज नॉर्मली राज्य से मान्यता के द्वारा ही चलते हैं बिना राज्य की मान्यता के तो आप चला भी नहीं सकते या राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्थानों में उपस्थित होने के लिए किसी व्यक्ति को भाग लेने के लिए उसकी सहमति के बिना बाध्य नहीं कर सकते आप जब तक वो खुद उस प्रार्थना में उस धार्मिक शिक्षा में नहीं आना चाहता तब तक जबरदस्ती पकड़ के नहीं ला सकते आप दे सकते हो मेरी बात ध्यान से समझना फिर बोल रहा हूं एक बार और रिपीट कर रहा हूं सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेजों में तो धार्मिक शिक्षा दे ही नहीं सकते प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट कॉलेजों में या राज्य की सहायता से चलने वाले स्कूल कॉलेजों में आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो मना नहीं है लेकिन जरूरी नहीं है कि बच्चे आए आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आओगे तो आपको तो फाइन लगा देंगे आपका नाम काट देंगे आपको दंड दिया जाएगा पनिशमेंट दिया जाएगा आपको रस्टिगेट कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाए ऐसा कुछ नहीं हो आज हमारी आखिरी क्लास में मैंने आपसे कहा था आज मैं आपको संडे को भी इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगले चार दिन तक मैं आपसे नहीं मिलने वाला हूं फिर सात आठ नौ दस दस जनवरी तक मैं छुट्टी पर रहूंगा मैं आपको फिर बता रहा हूं जिन लोगों को नहीं पता है प्लीज उन्हें भी बता देना नहीं तो वो डेली क्लास के लिए परेशान होंगे अगली क्लास जो होगी नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो ग्यारह जनवरी ग्यारह फरवरी को होगी सात आठ नौ दस फरवरी को ये क्लास आपकी नहीं होगी है ना आज संडे को क्लास लेने का मेन मकसद यही था उद्देश्य यही था कि अगले चार दिन छुट्टी आने वाली है तो इसलिए आज मैं आप लोगों को जो टाइम दे पा रहा हूं तो मैं दे दूं ठीक है तो आप धार्मिक शिक्षा में क्या क्या समझना है यहां से वो आप समझ गए होंगे अगर बच्चा अवयस्क है नाबालिग है ठीक है मान लो कि बच्चा एडल्ट नहीं है माइनर है और 18 साल से कम उम्र का है तो ऐसे मामले में उनके माता पिता या संरक्षक जो है उनकी सहमति की आवश्यकता है ठीक है जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो बालिग हो स्कूलों में तो बच्चे नॉर्मली हम देखते हैं नाबालिग ही होते हैं बच्चे बालिक कहां होते हैं बच्चे बालिग होते हैं कॉलेजों के है ना तो वहां तो वो समझते हैं लेकिन यहां पर बच्चे नाबालिग होते हैं आमतौर पर तो इस तरह अगर हम शॉर्ट में समझे तो हमारे संविधान का अनुच्छेद अट्ठाईस चार तरह की शैक्षणिक संस्थाओं की बात करता है चार तरह की कौन कौन सी चार तरह की कौन कौन सी चार तरह की शिक्षा संस्थान देखो नंबर एक ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रख रखाव राज्य करता है जो मैंने आपसे कहा सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज ये सब इसमें आ जाएगा दूसरा ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट या न्यास के तहत हुई हो तीसरा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान और चौथा राज्य से सहायता प्राप्त चल कर रहे संस्थान चार तरह के संस्थान तो चारों में श, शिक्षा को लेकर धार्मिक शिक्षा को लेकर एक बार फिर फाइनल बता देता हूं व्यवस्था क्या है पहले वालों में तो धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते दूसरे वाले में धार्मिक शिक्षा पर कोई नियंत्रण नहीं है कोई रोक टोक नहीं है जैसे चाहे वैसे दे सकते हैं जो चाहे कर सकते हैं तीसरे और चौथे वालों में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं लेकिन उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते बच्चों को उसमें अटेंड करने के लिए उसको कंपलसरी नहीं कर सकते बाध्य नहीं कर सकते आया समझ में आपको यह समझना है बस कुछ भी अगर आपको अनुच्छेद अट्ठाईस में समझ में नहीं आता कुछ भी नहीं आता तो एक बात याद रखना बस चार तरह की शिक्षा संस्थाने होती है पहली वाली जो सरकार चलाती है सरकार के खर्चे से चलती है सब सरकार का है जिसमें वहां धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकती दूसरा किसी धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा स्थापित हो वहां पर जैसा चाहे धार्मिक शिक्षा दे सकते हो जो चाहे कर सकते हो उपस्थित होने के लिए बाध्य भी कर सकते हो तीसरी वाली राज्य से मान्यता प्राप्त निजी संस्थान और चौथी राज्य की सहायता से चलने वाले यहां धार्मिक शिक्षा दे सकते हो लेकिन उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते अभी आ गया कम से कम मैंने आपको पांच से छह बार बता दिया ये सब कुछ अभी आज ही आज और मकसद सिर्फ इतना है कि आपके अंदर का जो कंफ्यूजन है वो एक बार हमेशा के लिए फाइनली दूर हो जाए ताकि बार बार आप लोगों को यहां से परेशानी ना हो ठीक है तो पहले वाले में तो धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित है दूसरे में बिल्कुल जैसा चाहे कर सकते हो तीसरे और चौथे में स्वैच्छिक आधार कि अगर उपस्थित होना चाहे तो होंगे नहीं होंगे तो नहीं होंगे चलिए तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 25 से 28 का मौलिक अधिकार अब यहीं तक रखते हैं आज काफी समय हो गया है डेढ़ घंटा होने वाला है लगभग अगले वाले सेशन में अनुच्छेद 39 और 30 के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 32 का मौलिक अधिकार जो आपका रिट वाला है प्लीज अगला मौल, अगला सेशन छोड़िएगा नहीं क्योंकि जो अनुच्छेद 32 में पांच तरह की रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश उत्प्रेषण अधिकार प्रक्षा ठीक है और प्रतिषेध तो पांचों तरह की जो रिट है आपकी वो मैं आपको अगले से मतलब अगले सेशन में आपका ये भाग कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में हमारा मौलिक अधिकार पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोग डीपीएसपी की तरफ फिर चले जाएंगे और फिर आपका एक टेस्ट भी होगा मुझे अच्छे से याद है मैं भूला नहीं हूं कि आप लोगों का पिछला टेस्ट हुआ था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का और संविधान का निर्माण का भाग एक भाग दो भाग तीन तीनों का टेस्ट एक साथ होगा अभी चार दिन में छुट्टी पर हूं ना तो चार दिन में आपके पास पर्याप्त समय है रिवीजन करने का पुराने सेशन देख लेना लक्ष्मीकांत पढ़ लेना जो करना हो कर लेना आपका अगला टेस्ट होगा भाग तीन पूरा होने के बाद फिर बोल रहा हूं एक साथ होगा सर भाग एक दो तीन पूरा आपका एक साथ में टेस्ट होगा अगले सेशन में जो हो जाएगा भाग तीन के कंप्लीट होने के बाद उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली बारह फरवरी या तेरह फरवरी जो भी होगा बारह या तेरह फरवरी को आपका टेस्ट होगा ग्यारह को आपको ये भाग खत्म हो जाएगा लाइक करना ना भूलो भाई प्लीज मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है ना तो लाइक कर दिया करो इतनी मेहनत में आपको समझाने के लिए करता हूं सिर्फ कि आप लोग मुझे पता है कि बहुत परेशान होते रहते हो कभी ये वीडियो देखोगे कभी वो वीडियो देखोगे कभी ये किताब पढ़ोगे कभी वो किताब पढ़ोगे और मकसद सिर्फ ये होता है कि समझ में आ जाए अच्छे से इतना टाइम देने के बाद भी कई बार चीजें समझ में नहीं आती ना तो फिर वो गलत है कोशिश यही है कि आप लोगों को जब एक बार आप मेरा सेशन देखो तो अगली बार दूसरे किसी टीचर का यहां से कोई वीडियो आपको नहीं देखना पड़े या यहां से आपको कोई कंफ्यूजन उसके बाद ना बचे तो जाते जाते आपको लाइक करना है शेयर करिए इसको शेयर बहुत से बच्चे शेयर करते मैंने देखा है फेसबुक पर मैं कई बार देखता हूं कि बच्चे जो है इस इस, इस सेशन को इस सीरीज को शेयर करते हैं अच्छा लगता है देखकर कि आप अपनी तरफ से मुझे थोड़ा सा सहयोग कर रहे हो कॉपरेट कर रहे हो आपसे कोई फीस कोई शुल्क तो मैं नहीं मांगता लेकिन आप कम से कम कर सके तो इतना जरूर करिए कि आप इसको जितना शेयर करिए कर सकते हो उतना करिए और कॉमेंट बॉक्स में आप फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं अपना तो मिलते हैं ग्यारह तारीख को ठीक है ग्यारह फरवरी को ठीक बारह बजे अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी तो आप चार दिन है आपके पास रिविजन करिए पढ़िए और जो कुछ भी टेस्ट में पूछा जाए कोशिश करिए कि वो आपका सब कुछ सही हो जाए कहीं से भी कुछ कमी ना रहे और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आपको पता ही है कि मेरा रेफरल कोड क्या है अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको इतने दिनों में याद हो गया होगा सीके एल आई -E. सीके लाइव इज माई रेफरल कोड यदि आप में से कोई भी अन अकेडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहे अभी कॉम्बो में बहुत बड़े ऑफर है डेढ़ साल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अगर आप अभी लेते हैं ठीक है जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों उसमें मिलेगा टेस्ट सीरीज नोट सब कुछ तो आपको 32 परसेंट का ऑफ मिल रहा है कितना 32 परसेंट ऑफ और क्या चाहिए 32 परसेंट आपको पैसा कम लग रहा है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन डेढ़ साल का अभी आपको मेरा कोड यूज करने के बाद मिलेगा सिक्सटी थ्री थाउजेंड में और अगर आप आइकॉनिक लें तो वो आपको मिल जाएगा सेवेंटी सिक्स थाउजेंड में ठीक है इसके लिए लेकिन रेफरल कोड कौन सा यूज करेंगे रेफरल कोड है सी के एल आई वी ई इससे आपको सिर्फ डिस्काउंट नहीं मिलेगा पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा मेरा मेंटोरशिप भी मिलेगी आपको और अनअकैडमी की तरफ से दुनिया भर के नोट्स टेस्ट डी सब कुछ फ्री चलो तो क्लास एंड हो गई आपकी थैंक यू थैंक यू गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय टेक केयर जय हिंद लेट्स क्रैक इट